So, very good morning from Nubra Valley. सुबह के बज रहे हैं अभी 9:45. तो रात को आपको मैंने दिखाया था जिस रूम में हम थे, तो वहाँ से हमने चेकआउट किया सुबह 9:30 के करीब. तो हमने अभी तकरीबन 20 किलोमीटर कवर कर लिया है. हम वापस लेह को जा रहे हैं. तो हुआ ये कि 20 किलोमीटर कवर करने के बाद पीछे मेरे दोस्त जो है वो हॉर्न मार रहा था इतनी देर से. मुझे उसने बताया कि उसका जो हैंडी बैग है, जो उसमें उसका चार्जर, फ़ोन, पावर बैंक सारा वो गिर चुका है. तो इस जगह पे आकर मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो वापस पीछे जा, वो देखने गया है. अभी उसको गए 20 मिनट हो चुके हैं ब्रो, पता नहीं अभी तक आया नहीं है, उसको मिलवाया है नहीं. पहले उसका एक बैग गुम हुआ और अब उसका एक दोबारा एक बैग जो बहुत ही कीमती था. कीमती बैग नहीं, उसके अंदर जो सामान था वो कीमती था. पता नहीं क्या हो रहा है. हमारा सुबह का प्लान था कि 8:00 निकल जाएंगे, पर हम 9:30 निकले थे सुबह, और आधा घंटा ही हुआ निकले और ये सीन हो गया. पता नहीं 12:00 तक कब पहुँचेंगे ले. भैया हमने आज कारदुंगला भी क्रॉस करना है, कारदुंगला जो सबसे हाई पास पे है. यहाँ से ले है तकरीबन 100, जब हम चल रहे थे तब था 125 किलोमीटर और हमने कवर किया अभी सिर्फ 120 किलोमीटर. अभी 105 किलोमीटर बाकी है, क्योंकि कारदुंगला से ऊपर भी कुछ चढ़ाई होते हुए आएगा. आप देख सकते हो मेरे पीछे व्यू, सारा इतना अमेजिंग व्यू है. यहाँ की रोड बहुत क्लीन है. तभी जा करके जो है 80-100 पे जो है बाइक चलाई मैंने कल, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था. वो सामने यहाँ से दिख रही है वो डिस्ट्रिक्ट, जो आपको बड़ा बुद्धा का स्टैचू मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, वो यहीं से ही दिख रही है. और यहाँ से बिल्कुल 7 किलोमीटर है वो स्टैचू. पता नहीं वो कब आएगा, उसको मिल जाए भगवान करे बैग यार, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वरना. बस ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बंदे को अपने वो केयर करनी चाहिए भी अपने सामान की. ये नहीं कि जाऊँ उठाया रख दिया, थोड़ा केयरलेस नहीं होना चाहिए बंदे को. तो वरना कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हो, बट मैं अपने सामान की बिल्कुल केयर करता हूँ, बिल्कुल अच्छे से पैक वैक जो भी सामान बाहर निकला तो उसको अच्छे से रीरैक करूँगा वापस. ये नहीं कि जाऊँ उठाया वहीं रख दिया. हमें गुजरात के बहुत लोग दिख रहे हैं, हमारे साथ जो था वो भी गुजरात का था, और गुजरात की गाड़ियाँ, गुजरात की बाइक्स, बहुत सारे वो दिख रहे हैं गुजरात के. अभी धूप बहुत हो चुकी, गर्मी काफ़ी लग रही है. मैंने सभी एक जैकेट तो मैंने डाली नहीं है अभी, एक जैकेट एक्स्ट्रा मैंने बैग पे ही रख दी बाहर, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं डाल लूँ, वरना तो नहीं. तो बाकी मेरे फ्रेंड्स अभी सारे लेह में हैं, तभी कब उनके पास जाऊँगा, कब उनसे मिलूँगा पता नहीं. यार व्यू बहुत शानदार है यार, सच में. आज हमारा 10वां दिन है और 5 दिन में हम घर पहुंच जाएंगे वापस. मेमोरेबल ट्रिप रहेगा ये हमारा, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें एक बार होती हैं, दोबारा तो हो जाती हैं चलो, पर भी एक टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड होता है. 10-15 दिन लगाने सौखे नहीं होते. मेरे शहर से और भी बहुत लोग आए थे, कुछ उनको वो उन्होंने 10 दिन लगाए, वो चले जा चुके हैं वापस. वहाँ से हॉर्न बजता है बस का या ट्रक का, यहाँ तक आवाज़ गूंजती है पूरी. वो वापस 20 किलोमीटर पीछे गया होगा बैग देखने के लिए, बाकी पता नहीं. देखो सुन रहे हो ना आवाज़, वहाँ हॉर्न बज रहा है, आवाज़ यहाँ से आ रही है. मिल गया? नहीं मिला क्यों? कैसे? रिकॉर्ड भी कर रहा था यार, तेरा दुख ना दिखाओ यार, नहीं दिखाना बिल्कुल यार. गाइस नहीं मिला बैग यार, और नहीं डालना यार, समझा कर. कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया यार, जो भाई यार, तो इतनी बार समझाया मैंने तुझे, मेन चीज़ तो बहन तो दिमाग के रखा गया यार. बंद कर इसको यार, ये नहीं डालना.
तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं काजोला टॉप, जो कि मोस्ट हाईएस्ट वाटर है वहाँ पर। यहाँ पे था रस लगा हुआ है फोटो खिंचाने के लिए बोर्ड के पास। भाई पूछा मत, ये मेरी वाइफ, मैंने स्टार्ट ऑफ किया इसको ताकि इनके ठंडा ना हो गए, क्योंकि पिछली बार बादल से पास भी यही हुआ था, इनमें ठंडा हो गया। 2 मिनट सेल्फ लगने में स्टार्ट टाइम लगा था। एंड बस एक पिक्चर क्लिक कराएंगे, वापस चलते हैं ले। एंड लुक एट द व्यू मैन, भाई बहुत ठंडा है यहाँ पे। मैंने एक स्पेशल जैकेट निकाली बैग से डालने के लिए। नहीं फौजी कैसे रहते होंगे, सल्यूट है इनको यार। सो आई सेट माई बाइक टू टेक माई पिक्चर ओवर हियर। देखिए सारे पिक्चर के जाने के लाइन लगा के खड़े हैं, कह रहे मेरी बारी मेरी बारी, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। सिर्फ मैंने अपनी बाइक लगाई यहाँ पे, लेट्स सी, एक बढ़िया सी पिक्चर क्लिक करके चलते हैं। और क्या बालों की बात, पूरी हालत हो जाती है यहाँ पर। हेलमेट डाल के सारे पूरे बालों की। चलो बस चलते हैं। भाई इतनी सही रोड है, इस रोड पे 90-100 पे चला रहा हूँ मैं, और ऐसे 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 वही इतना स्वाद आ रहा है मैं बता नहीं सकता। अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत इतनी दूर है, पता नहीं आपको देखेगा या नहीं। अभी मेरे को वो वहाँ दिखा था, वहाँ कोने पे, अभी शायद जहाँ से आ रहा हुआ, क्योंकि बुलेट पे सामान है उसका साइड से नीचे लगता है ना, तो वो उस तरह से मोड़ नहीं पाता जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक मुड़ती है ना। वही कमाल, बड़ा स्वाद आ रहा भाई इस रोड पर चला के। मिस करूँगा मैं इस रोड को। ये है कारदुंगला रोड, कहते हैं इसे मोस्ट डेंजरस रोड, पता नहीं है या नहीं। वो रहा, ये निकला, चलो चलते आगे। बस ले रह गया सिर्फ 15-20 किलोमीटर, निकलते हैं वहाँ, मिलते हैं अपने दोस्तों से वापस, फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ा बाहर घूमते हैं। ओके मिलते हैं आपको भाई, जान है मेरी जान। वैसे काम किस चीज का था ये? मेडिटेशन के लिए, पीस पीस। मेरे को तो कोई सब्जी सब्जी डालने के काम आता है। चलो चलो सो फाइनली मैं ले पहुंच गया था, और कादुगला के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ रूम पे लंच वेज अच्छे से किया, काफ़ी टाइम पास किया मज़े से। पर अब शाम के बज रहे हैं 5:15, तो हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कुछ सामान वहाँ लिया है हमने, और किसी ने मुझे कहा था कुछ लेना था, वो भी मैंने ले लिया है। एंड बस ये थोड़े बारीकी वगैरह कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, और चीज़ नहीं लेने के लिए। और बस आपके सामने व्यूज़ ये है, और अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बस शाम के 7:30 बजे के बाद थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, फिर रात को बढ़ती रहती है। दिन में यहाँ पर गर्मी लगती है, पर पंखा चला नहीं सकते आप, क्योंकि पंखा होता ही नहीं है इनके छत पे, इन्होंने दिया ही नहीं होता सिस्टम जी हम पंखा चला सके। तो बस इसलिए अभी तो फिलहाल गर्मी है, सिर्फ एक टी शर्ट डाली हुई है हमने। हेलो हेलो कर दी। क्या नाम है? क्या गंचक दर्जे, वाह क्या नाम है। मोहित साउंड करके दिखा एक बार। हो रहा हो रहा हो रहा नहीं हो रहा हो रहा वो ये तुम क्या कर रहे हो मांशु? बार्गेनिंग? नो भाई, इतनी सारी बार्गेनिंग कठी सुनील, तुम कुछ कहना चाहोगे ब्रो? नो भाई, ये अलग अलग डाल दो, यू कैन से समथिंग ब्रो। कोशिश तो बहुत की बट बात बनी नहीं। ये हम पंजाब से वाली बार्गेनिंग से हम असफल रहे, बाकी हर जगह हमने कराई बार्गेनिंग, यहाँ नहीं हो पाई। महंगा 350 रख रहे यार, तुम तो सब कुछ रखते हो। बहुत सारा छल्ला केरिंग वगैरह वगैरह शॉपिंग करने के बाद अब हिमांशु आया है कपड़े लेने।
टी शर्ट लेने आया जो जहाँ पर लिखा है नो बार्गेनिंग फिक्स प्राइस। अब देखते क्या करते हैं, बार्गेनिंग मैन क्या करेगा। आप हिमांशु टी शर्ट ले पाता है कि नहीं, आज का टास्क हिमांशु टी शर्ट ले पाता है या नहीं देखना अभी बाकी है। ठीक है, ठीक है, यस ठीक है, बॉन टू बॉल सेम ही लगा उसे। बुद्धा 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 जी, और ये भाई साहब क्या कर रहे थे। बुद्धू बुद्धू बाबे यार, गलती से निकल गया मुंह से, मेरे मुंह से निकल गया भाई। बुद्धू बुद्धू, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी बोल रहा है, सॉरी फील कर रहा है। वेरी गुड भाई, प्राइस कितने चक्के हैं उन्होंने भाई। एक 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 चीज़ अगर वहाँ पे राज अपने शहर में 20 रुपए की है तो वो चीज़ यहाँ पे 60 रुपए की है, आराम से है। सही है, शिपिंग का लगता है, जितना ऊपर जाओगे प्राइस बढ़ता जाएगा। सही है। मानसू टास्क कंप्लीट कर पाया या नहीं? ओके डन ना भाई, ले चार टट्टू बोल रहा था, सॉफ्टी खाते हैं भाई, बैग पीछे थी ना। हिमांशु टास्क में हार गया, इधर भाग भाई, चलाओ यार सॉफ्टी खाते हैं, चलो पानी भाई पिलाते हैं।